चक्कर में ध्यान नहीं दिया, ये जूते देखो पूरे के पूरे गीले हो गए हैं जूते। ये इधर गाड़ी के साइड में मम्मी यहाँ पे सुखा रही थी और मैंने अभी देखा तो भाग के लेके आया, तो जूते भी पूरे भीग गए। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई व्लॉग, डे 20th। सुबह नहा धो के तैयार हो गए हैं, आज कुछ काम नहीं है, अमेज़ॉन से अपना कुछ प्रोडक्ट आने वाला है और आई थिंक आ गया है। दो तीन चीज़ें मंगाई थी, नहीं 6 चीज़ें मंगाई थी मैंने, जिसमें दो तीन चीज़ें आज आ रही है हमारी। ये मोस्टली चीज़ें ना मेरी व्लॉगिंग सेटअप के लिए है और जो आने वाला ट्रिप है उसके लिए, तो आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। क्या क्या है? 6999 48 6999 48 तीन सामान है ना इसमें, 6999 48 48 थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो ये अपना सामान आ गया है, तो ये तीन चीज़ें हैं इस बॉक्स के अंदर, अभी आपको खोल के इसकी अनबॉक्सिंग पे दिखाई देता हूँ रूम पे चल के। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है स्विस मिलिट्री का कार पावर इन्वर्टर। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारे गाड़ी के अंदर जो भी चार्जर स्लॉट होता है 12 वोल्ट का चार्जर होता है, तो उसमें हम अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं एक वो कार चार्जर में लगा के, ठीक है। लेकिन हम उस चार्जर से डायरेक्टली अपने बड़े डिवाइसेस को चार्ज नहीं कर सकते, लाइक लैपटॉप हो गया या कोई रेफ्रिजरेटर टाइप हो गया जिसमें वो 3 पिन प्लग होते हैं 2 पिन प्लग होते हैं, तो वो नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक हमारे पास ये क्या बोलते हैं इसको, DC टू AC कन्वर्टर है, ठीक है। AC में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। ये बॉक्स आया हुआ है, बॉक्स के अंदर ये पैकेजिंग काफ़ी अच्छे से है और ये काफ़ी स्लीक सा विथ सम पेपर काफ़ी स्लीक सा है। ये आप मोस्टली ना अपने जो जो कप होल्डर है उसमें इसको रख के, और ये अपना जो नॉर्मल हमारे गाड़ी में होता है प्लग करके 12 वोल्ट में इसको रख सकते हैं, और यहाँ पे आप अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। ऑन एंड ऑफ बटन है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा USB भी दिया हुआ है कि आप किसी अगर साथ में कैमरा या फिर फ़ोन को चार्ज करना चाहो तो ये इससे हो सकता है। तो ये आता है स्विस मिलिट्री की तरफ से। स्विस मिलिट्री के आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, नाइफ होते हैं, उनके बैग होते हैं, ट्रैवलिंग इक्विपमेंट्स होती है, दिस इज़ वन ऑफ देम स्विस मिलिट्री का। पता नहीं बहुत सारी हमेशा तो नहीं होता है बट मोस्टली ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े थे कि कभी मोस्टली चीज़ें नकली भी आ जाती हैं डुप्लीकेट, तो ये वेरीफाई मैं अभी थोड़ा जाके इनकी वेबसाइट पे करूँगा कोई ऑप्शन होगा तो। पीछे बारकोड तो आया हुआ है, इसको स्कैन करके मैं चेक करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं। तो इसको साइड कर देते हैं। अब दूसरी चीज़ है हमारी बैकअप प्लस स्लिम सीगेट का 2 TB हार्ड डिस्क। इस चीज़ को देख के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि मैं बीच में एक व्लॉग डाल मैकबुक की वजह से बहुत परेशान हो गया था, उसकी मेमोरी 128 GB ही है और पहले मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी मेमोरी की, लेकिन जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो वीडियोज़ जो होती हैं 4K वीडियोज़ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता हूँ मैं, या फिर HD में भी जो होती है मिनिमम 3 GB 5 GB की वीडियोज़ एक दिन की बनती है एक व्लॉग अगर आपको मैं बताऊँ तो, और उसके लिए वो मेमोरी बहुत कम है। मैं क्लाउड पे भी कर सकता था अपलोड, क्लाउड पे कर सकते हैं लेकिन फालतू में क्लाउड की मेमोरी भी फुल हो जाएगी, जो मेरी बेसिक फ़ोटोज़ जो फ़ोन से अपडेट होती हैं वो फिर जाने में मुश्किल होगी, अपलोड करने में मुश्किल होगी, क्योंकि वीडियोज़ का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो उसके लिए एक ये सीगेट का है, इसमें आपको बैकअप भी मिलता है कंपनी की तरफ से, ठीक है। ये 2 TB का है, इसको खोल लेते हैं। ये कंपनी का सील है, इससे आपको पता रहता है कि ये वेरीफाइड प्रोडक्ट है और किसी ने यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये कंपनी की सील तो खुल गई है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं पीछे इसमें लिखा है कि दिस इज़ फॉर विंडोज़ एंड मैक बोथ, तो आप इसको विंडोज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं और मैकबुक पे भी यूज़ कर सकते हैं।
अगेन थोड़ा सा पेपर वर्क, ये इसका अडोब क्रिएटिव क्लाउड फोटोग्राफी प्लान भी इसके पैकेज में ही मिला है मेरे को। आई थिंक ये कुछ मंथ्स के लिए है, आई थिंक 6 months के लिए ये मिला है मेरे को। और ये मेरा बैकअप का भी पेपर आया हुआ है साथ में, कि अगर मेरा हार्ड डिस्क कभी मतलब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, करप्ट हो जाता है, तो मुझे अपना बैकअप जो मेरी वीडियोस होगी वो कंपनी मेरे को प्रोवाइड कराएगी। क्लाउड बैकअप होता है इसमें, काफ़ी अच्छी प्रीमियम पैकेजिंग है इसकी। And look at this, this is 2 terabyte hard disk और इतना sleek है ये चीज़, मतलब amazing यार। मतलब देखो आप कैमरे में कितना ज़्यादा sleek है, मतलब और मेरे लैपटॉप के कलर से भी मैच होता है। इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आपका जिस कलर का लैपटॉप है आप उस कलर का हार्ड डिस्क मंगा सकते हैं। लुक्स गुड। यहाँ पे एक लाइट दिया हुआ है और यहाँ पे इसका ट्रांसफर केबल का पोर्ट दिया हुआ है, तो इसके साथ आपको ट्रांसफर केबल मिल जाती है, नॉर्मल USB वाला ऑप्शन मिल जाता है जो आप अपने लैपटॉप में लगा के और इससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं अपना डेटा ट्रांसफ़र करके भी आपको दिखाऊंगा आज कि कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग डे फॉर मी कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई फाइनली ट्रिप पे जाने से पहले, क्योंकि ट्रिप पे जाता वहाँ मेरा डेटा फुल हो जाता, वहाँ नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती है, तो बहुत मुश्किल होती मेरे को, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। चलो, तो जब अब हमने ये लिया ही है तो ये भी ज़रूरी है उसके साथ। ये हमारा आता है 2.5 inches का मेरा हार्ड डिस्क है, तो 2.5 inches के हार्ड डिस्क के लिए ये एक एयर केस है, तो इसको आप ऐसे इसके अंदर फंसा के रख सकते हैं और केबल इसको ऊपर यहाँ पे, और दिस इज़ रेडी टू गो आपके लैपटॉप के साथ। वैसे ये तो थी छोटी सी अनबॉक्सिंग, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया है मैंने, मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। बिल्ली को भी जो हमारी शेरनी है उसको दूध पिला देता हूँ, उसको करने के बाद अपना डेटा ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करते हैं। डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, मुझे मेडिसिन लेने जाना है, तो मेरा मोस्टली दिन का प्लान यही है। ऑफिस का थोड़ा सा काम है वो ऑनलाइन यहीं से घर से ही हो जाएगा, तो वो कर लूँगा, उसके बाद शाम को वर्कआउट के लिए मिलते हैं। तो ये रहा अपना मैकबुक और हमें फाइल्स ट्रांसफ़र करनी है। अगर आपको दिखाऊं तो ये मेरे डेली व्लॉग्स का फोल्डर है जिसमें मेरे पूरे सारे व्लॉग्स हैं, 19 के 19 व्लॉग्स हैं। तो इन्होंने काफ़ी स्पेस ले रखी है मेरे मैकबुक के अंदर, तो इनको अब मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। इसमें सीगेट का जो है 2 TB का हार्ड डिस्क है, तो इसमें सबसे पहले हमें ये प्लग इन करना पड़ेगा। ये वाली जो साइड है, अगर आप देखो ये डुअल वाली, ये इसके अंदर चली जाएगी ऐसे, और जो ये USB की साइड है वो हम मैकबुक में अंदर लगा देंगे। जैसे ही लगाएंगे तो आपको यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको बना हुआ आ जाएगा एक हार्ड डिस्क, ये देखिए बैकअप प्लस करके आ गया बना हुआ। इसको खोल लेंगे, यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी डेली व्लॉग्स का फोल्डर बना दिया है, आपको बता दो फोल्डर कैसे बनाते हैं। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, इसको प्रेस करेंगे तो एक नया फोल्डर बन जाएगा, उसको नाम दे देंगे, तो ये डेली व्लॉग खुल गया। मैंने एक ऑलरेडी करके ट्राई किया था आपको दिखाने से पहले, तो ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है। अब खोल लेते हैं डेली व्लॉग्स दोबारा से, अब हम सिलेक्ट कर लेंगे पूरा 18 तक, क्योंकि 19 हम ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं। इसको उठा के और यहाँ पर डाल देना है, तो ये ऑलमोस्ट अभी एस्टिमेट कर रहा है 6 मिनट लगेंगे मुझे पूरा ये 19 के 19 व्लॉग्स ट्रांसफ़र करने में, विच इज़ ऑलमोस्ट 50 GB। तो आप देख सकते हैं स्पीड भी काफ़ी अच्छी है सीगेट के हार्ड डिस्क की, मतलब 50 GB 6 मिनट के अंदर ट्रांसफ़र, और काफ़ी ईजिली ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि मैकबुक में जो स्पेस की प्रॉब्लम थी वो पूरी सॉल्व हो चुकी है। बस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप ये सीगेट का ये जो प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपको हमेशा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ताकि आपको सपोर्ट मिल सके। जैसे मैं आप देख सकते हैं मैंने ये इसको रजिस्टर करा दिया है, ये इसकी myportal.seagate.com पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, अपने प्रोडक्ट का सीरियल नंबर डालना है, जो कि सीरियल नंबर यहाँ पर पीछे मेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कैप्स में आपको सीरियल नंबर मेंशन करना है,
और मेंशन करके आप अपना अकाउंट डिटेल अपनी मेंशन डाल के अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप कर लेंगे उसके बाद आप उसको अपने ईमेल को वेरीफाई करें और उसके बाद फिर आप इस वेबसाइट पे अगेन अपना लॉगिन कर ले। लॉगिन कर लेंगे तो आपको अपना आपका प्रोडक्ट दिख जाएगा दैट दिस प्रोडक्ट इज रजिस्टर्ड एंड ये जो है बैकअप स्लिम प्लस है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, जो भी डिटेल्स है आपको सब कुछ हो जाएगा, यहीं से आप सपोर्ट ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस। तो फाइनली मेरे लैपटॉप की मेमोरी जो है खाली हो चुकी है। अगर ये देखो 68.56 GB अवेलेबल है। तो मेरे लैपटॉप में हमेशा ना इतनी मेमोरी हमेशा खाली रहेगी, क्योंकि जो भी व्लॉग बनाऊंगा मैं डायरेक्टली बनाऊंगा, इसमें सेव करूंगा और उसको सीगेट पे ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो मैकबुक की प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व हो चुकी है, मेरा मैकबुक सेवर आ चुका है। तो ये तो था हमारा सीगेट का जो हार्ड डिस्क आया है जिसने सारी मेमोरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अब बच गया है ये स्विस मिलिट्री का चार्जर, तो इसको मैं आपको कल दिखाऊंगा, कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कैसे इसको यूज़ करते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि मुझे अभी जाना है मेडिसिन लेने के लिए, तो लेट हो जाऊंगा, काफ़ी टाइम हो चुका है। लंच भी मैंने कर लिया है और उसका शाम को वर्कआउट भी दिखाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ। तो कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा मैं स्विस मिलिट्री का ये प्रोडक्ट क्या काम का है, क्या चलता है कि नहीं चलता है, क्या अमेज़ॉन ने सही प्रोडक्ट मुझे भेजा है घर पर। तो लेट्स वॉच इट टुमारो। मुझे जाना था मेडिसिन लेने और ये बारिश स्टार्ट हो गई है। यार बादल तो कुछ खास देख नहीं रहे और ये बारिश पता नहीं कैसे स्टार्ट हो गई है। कोई बादल वाला फट गया है क्या जो ऐसे बारिश हो गई है? क्योंकि देखो इतना कुछ खास क्लाउडी मौसम नहीं है, जब बारिश होता है तो ऑलमोस्ट अंधेरा हो जाता है, यहाँ तो एकदम उजाला है भाई और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है। देखो थोड़ी देर में जाता हूँ, फिर मैं अगर बारिश थोड़ी सी कम होती है उसके बाद दवाई लेने जाता हूँ। ये तो तेज़ ही हो जा रही है बारिश। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया ये जूते देखो पूरे के पूरे गीले हो गए हैं जूते। ये इधर गाड़ी के साइड में मम्मी यहाँ पे सुखा रही थी और मैंने अभी देखा तो भाग के लेके आया, तो जूते भी पूरे भीग गए। तो गाइस बारिश की वजह से ना मैं कहीं जा नहीं पाया, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। जाना तो गाड़ी से ही था लेकिन उतर के भी तो जाना पड़ता। उसके बाद फिर मेडिसिन भी भैया ने मुझे कॉल किया कि दो मेडिसिन मेरी अभी भी नहीं आई है, सिर्फ एक ही मेडिसिन आई है, तो बस वो मेडिसिन कल लेने जाना है। कल थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए भी जाना है, एज़ प्रॉमिस्ड आई टोल्ड यू कि अमन की शॉपिंग करानी है, तो मॉल भी जाना है हमें, थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई है तो वो करा के। और ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, धीरे धीरे अपना सामान आ रहा है जो भी हमें चाहिए हमारे अगले ट्रिप के लिए। तो बस वही है, आज सुबह से तो व्लॉग कर ही रहा था मैं, जब से उठा हूँ तब से अमेज़ॉन वाले भैया आ गए, उसके बाद थोड़ी बहुत अपना वो काम वगैरह लैपटॉप का डेटा ट्रांसफ़र काफ़ी काम हो गया था, उसका सो गया था, काफ़ी थकान सी महसूस हो रही थी क्योंकि बारिश के मौसम में ठंड के मौसम में ना वैसे बंदे थोड़े आलसी हो जाते हैं। आलस वालस ख़त्म करते हैं अपना और वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, जल्दी से फटाफट वर्कआउट ख़त्म करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। गौरव राय के नाम से चैनल है, चैनल को आगे बढ़ाओ, मोटिवेट करो मेरे को। टिल देन जय हिंद, लव यू ऑल।